तो वैकेंसी विषया में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स ट्रेंड्समैन मेट एंड फायरमैन रिक्वायरमेंट 2023 के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल पोस्ट अप्लाइड एट एज सिलेक्शन प्रोसेस सिलेबस एंड सैलरी फिजिकल आदि के बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को शुरू करते हैं, टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो 1793 पोस्ट है, अप्लाई डेट होगा 6 फरवरी से 26 फरवरी तक। फीस की बात करें तो निःशुल्क है। एज की बात करें तो 26 फरवरी 2023 तक की एज रहेगी। वहीं पर एज 18 से 25 वर्ष डीओबी जिसकी 26 फरवरी 1998 है से 26 फरवरी 2005 के बीच है, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। वहीं छूट की बात कर ले तो ओबीसी के लिए 3 वर्ष, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष। एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो वह 10 पास होना चाहिए। और सिलेबस की बात कर ले वहीं तो 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के और समय 2 घंटे दिए जाएंगे। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, जीके में 50 क्वेश्चन, मैथ में 25, इंग्लिश में 25 पूछे जाएंगे। और निगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो 1/4 रहेगी। और पेपर मॉडल की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। वही फिजिकल की बात कर लें तो कैटेगरी टेस्टमैन के लिए रनिंग 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में, या पुरुष के लिए है 1.5 किलोमीटर 8 मिनट 26 सेकेंड महिलाओं के लिए हैं। वहीं पर शहरिंग की बात कर ले तो 50 केजी 200 मीटर 100 सेकेंड पुरुष के लिए और 50 केजी 200 मीटर 225 सेकेंड महिलाओं के लिए। फॉरमैन की फीचर की बात कर ले तो यहाँ पर रनिंग 1.6 किलोमीटर 6 मिनट्स और मेल के लिए और 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 26 सेकेंड फीमेल के लिए। वहीं शायरिंग की बात कर ले तो 6 सही 63 सही 1/2 केजी 183 मीटर 96 सेकेंड है। और हाइट की बात कर ले फॉरमैन में तो हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर मेल और 162.5 सेंटीमीटर मेल एसटी के लिए। वहाँ चेस्ट की बात कर ले तो 81.5 से 86 सेंटीमीटर रहेगा। लॉन्ग जंप की बात करें क्या तो 2.7 मीटर और क्रीमिंग की बात कर लें तो 3 मीटर रहेगी। प्रोसेस की बात कर लें तो फिजिकल स्किल प्रैक्टिकल राइटिंग ड्राइविंग लाइसेंस और मेडिकल होगा। वहीं पोस्ट नेम और पोस्ट वाइज के नाम बात कर लें तो जैसे पोस्ट नेम हो गया ट्रेड्समैन मेट के लिए और फॉरमैन के लिए। पोस्ट की बात करें 1249 और फॉरमैन के लिए 544 सीटें हैं। वहीं पर टेस्टमैन जनरल के लिए 508 है तो फॉरमैन के लिए जनरल में 222 सीटें। वहीं टेस्टमैन के लिए ओबीसी के लिए 337 सीटें हैं तो वहीं फॉरमैन के लिए 147 सीटें हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए वहीं टेस्टमैन के लिए 129 सीटें हैं तो फायरमैन के लिए 54 सीटें हैं। और एससी एसटी के लिए बात करें तो टेस्टमैन के लिए 187 और एसटी के लिए 93, फायरमैन में एससी के लिए 81 और एसटी के लिए 40 सीटें हैं। और सैलरी की बात कर ले हम तो ट्रेड्समैन मेट के लिए 18,000 से 56,900 रुपये है। वहीं फायरमैन की बात कर ले तो 19,900 से लेके 63,200 रुपये तक है। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ऐसी वैकेंसी और जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। फुल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।